सिटी इंडिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही 57 मुस्लिम मुल्कों से बने ओआईसी में हड़कंप मच गया। बौखलाए ओआईसी ने राम मंदिर पर बवाली बयान देकर हिंदू संगठनों को नाराज कर दिया। बाबरी मस्जिद को लेकर जहां ओआईसी का प्यार उमड़ रहा है, उबाल मार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर से ओआईसी का बैर साफ साफ देखा जा सकता है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम आ गए। राम मंदिर के विरोधी 57 मुस्लिम देश। बाईस जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गदगद कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ 57 मुस्लिम देशों में राम मंदिर को लेकर गदर मचा हुआ है। हद तो तब हो गई जब ओआईसी यानी 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि पहले बाबरी मस्जिद खड़ी थी। भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, वहीं राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। ओआईसी इन कदमों की निंदा करता है जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी। ओआईसी को बाबर से प्यार, राम मंदिर से नफरत। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से एक दो नहीं बल्कि पूरे 57 मुस्लिम देशों को मिर्ची लगी है। इससे पहले पाकिस्तान ने भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ये भारत के लोकतंत्र पर धब्बे की तरह बनेगा। ओआईसी ने राम मंदिर का विरोध करके एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि ओआईसी भारत के धार्मिक और संवेदनशील मुद्दों पर बयान देकर खुद को मुस्लिमों का मसीहा साबित करना चाहता है। इससे पहले 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की निंदा की थी और इसे भारत का एक तरफा फैसला बताया था। 22 जनवरी से अब तक लाखों राम भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं। अयोध्या की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान दहाड़े मारकर रो रहा है। 57 मुस्लिम देशों वाले संगठन ओआईसी में पाकिस्तान भी शामिल है, जो बार बार सऊदी अरब पर दबाव डाल रहा था कि वो ओआईसी के जरिए राम मंदिर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कदम उठाए। इधर देश में कई हिंदू संगठनों ने राम मंदिर का विरोध करने पर ओआईसी की कड़ी निंदा की है। पहले बाबर आया या पहले राम है, पहले तो वहाँ पर मंदिर था, बाबर के समय उसको तोड़ दिया गया और बाबरी मस्जिद बना दिया गया। मेरा जो राम मंदिर था, हम लोग अपना राम मंदिर को पुनः वापस ले लिए, वहाँ जो है जबरदस्ती का मस्जिद बनाया गया। बाबरी मस्जिद नहीं था, बाबरी मस्जिद वो कह रहा है, बाबरी मस्जिद हमारा वो सनातन मंदिर था, मैंने उसको जीर्णोद्धार किया हूँ, मैं उसको बनवाया हूँ, नए सिरे से उसको मैंने बनाया है। ओआईसी का दोहरा चरित्र, मंदिर का विरोध, मस्जिद का समर्थन। सऊदी अरब के जद्दा में ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों की तरफ से राम मंदिर पर नफरती बयान दिए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यही ओआईसी राम मंदिर बनने का विरोध कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जुलाई 2020 में जब तुर्की ने जबरन 1500 साल पुराने चर्च को मस्जिद बनाया था, तो यही ओआईसी चुप्पी साधे बैठा रहा था। जरा आप साल 2020 की इन तस्वीरों को देखिए, जहां तुर्की के राष्ट्रपति चर्च को मस्जिद बनाते वक्त इस्तांबुल में मौजूद ऐतिहासिक इमारत हागिया सोफिया को चर्च से मस्जिद बना रहे हैं। बाईस जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी की यजमानी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश से लेकर दुनिया भर में राम मंदिर को लेकर जश्न मनाया गया, तो वहीं जुलाई 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति
रेचेप तैयप अर्दुआन ने इस्तांबुल के ऐतिहासिक आगिया सोफिया चर्च को दोबारा मस्जिद में बदलने के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद चर्च को मस्जिद बनाया गया था। वहीं 500 साल के भीषण संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। कोर्ट आदेश पर अयोध्या में ही 5 एकड़ से ज्यादा जमीन मस्जिद के लिए भी दी गई। राम मंदिर बनाते वक्त सभी पक्षों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा गया है, जबकि तुर्की में 1500 साल पुराने चर्च को तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दुआन के इस्लामिक जुनून के चक्कर में मस्जिद बना दिया गया। साल 2020 में चर्च को मस्जिद बनाते वक्त राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दुआन ने पूरी दुनिया में ये साबित करने की कोशिश की कि वही इस्लामिक मुल्कों के सबसे बड़े खलीफा हैं जो चर्च को मस्जिद में बदल सकते हैं। हैरानी की बात तो ये कि लगभग 4 साल के अंदर ही 57 मुस्लिम मुल्कों से बनी OIC का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। जहां अयोध्या में बने राम मंदिर का OIC विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की में चर्च को मस्जिद बनाने पर OIC ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। 57 देशों के मुस्लिम संगठन ने राम मंदिर का विरोध करके दुनिया भर के हिंदू संगठनों को नाराज कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि जहां OIC राम मंदिर बनने का विरोध कर रहा है, वहीं जब तुर्की ने जबरन एक चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया, तो ये तुर्की के कदम पर OIC चुप्पी साधे बैठा रहा था। आप आगिया सोफिया चर्च के बारे में भी जान लीजिए। देखिए, जहां एक तरफ OIC राम मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहा है, पुरजोर विरोध सामने आ रहा है, तो वहीं आज से 4 साल पहले तुर्की में चर्च को मस्जिद बनाते वक्त OIC ने चुप्पी साध रखी थी। पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने हम कच्चा चिट्ठा के जरिए देने जा रहे हैं। दरअसल करीब 1500 साल पुराने हागिया सोफिया चर्च को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने साल 2020 में मस्जिद बनवा दिया था। तुर्की ने 1500 साल पुराने चर्च हागिया सोफिया को पहले चर्च से मस्जिद बनाया था। यह तुर्की की दरअसल पहली बड़ी चाल थी जो कुछ इस तरह से सामने आ गई थी। वहीं इसके बाद साल 1930 के दशक में मस्जिद को दोबारा से म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, यानी जो मस्जिद था वो फिर से म्यूजियम बन गया था। ये वक्त तुर्की के लिए बेहद मुश्किल वक्त रहा, बेहद कठिन दौर से वो गुजर रहा था। लेकिन साल 2020 में, देखिए साल 2020 किस तरह से खास रहा, क्योंकि इसी साल में दोबारा से म्यूजियम को फिर मस्जिद बना दिया गया और इस तरह से 1500 साल पुराना हागिया सोफिया चर्च पहले मस्जिद बना, फिर म्यूजियम बना, उसके बाद दोबारा से साल 2020 में मस्जिद बन गया। दरअसल ऐसा दावा किया जाता है कि साल 2020 का चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रपति एर्दोआन ने म्यूजियम बन चुके चर्च को मस्जिद बनवाया था, क्योंकि उन्होंने चुनाव में अपने समर्थकों से चर्च को मस्जिद बनाने का वादा किया था। OIC को बाबर से प्यार, राम मंदिर से नफरत। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान से हिंदू मंदिर और हिंदुओं का सफाया करने वाला पाकिस्तान भी राम मंदिर पर भड़काऊ बयान देने में जुटा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरे पाकिस्तान में मातम जैसे हालात हैं। ये चीज समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान है, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है। बाकी सारे मंदिर भी बनेंगे, ये बहुत जरूरी है। तो बधाई हो तमाम हिंदुस्तानियों को, मुसलमान, सिख, हिंदू, पारसी, जो भी हैं, कि ये एक बहुत अजीम काम होने जा रहा है। और उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जय श्री राम। हमारे पुरखों की हुई भयानक गलतियों, जुर्मों, जरायम में से ये एक छोटा सा करेक्शन हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि जहां दुनिया के 57 मुस्लिम मुल्कों का संगठन OIC राम मंदिर का विरोध करने में जुटा था, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मॉरिशस, ताइवान समेत दुनिया के 55 देशों में राम मंदिर को लेकर जमकर जश्न मनाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर से बोस्टन तक पूरे रास्ते पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाया गया। वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को में कई कार्यक्रम हुए। ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर OIC को भारत के राम मंदिर पर एतराज क्यों है, जो संवैधानिक
और कानूनी तरीके से बना है। भारत के कई मुस्लिम संगठनों ने ओआईसी के बयान की निंदा की है। ओआईसी ने जो बयान जारी किया है वो बयान से हम इत्तफाक नहीं कर सकते और न भारत का मुसलमान इत्तफाक कर सकता है। कुछ जानकारों के मुताबिक ओआईसी में शामिल सभी 57 देश राम मंदिर का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन संगठन में होने की वजह से साथ देना इनकी मजबूरी है। अब देखना होगा कि राम मंदिर पर ओआईसी बयान तक सीमित रहेगा या फिर भारत इस पर सख्त प्रतिक्रिया देगा।